एक बार फिर सारा गुरपाल भड़कती हुई नजर आई है बिग बॉस मेकर्स पर। वजह क्या बनी है चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। पर आपको बता दूं कि बिग बॉस के घर से शहजाद देओल का एविक्शन हो चुका है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था जब सारा गुरपाल का एविक्शन होने वाला था, इस बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। अब यहाँ पर शहजाद देओल का एविक्शन हो चुका है, जो कि आपको आज के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर सारा गुरपाल इसके एविक्शन से, शहजाद देओल के एविक्शन से काफी ज्यादा अपसेट हुई है और उन्होंने आवाज भी अपनी उठाई है। उन्होंने कहा जब उनका सीनियर्स ने एविक्शन किया था या उनके लिए डिसीजन लिया था, वो समय पर भी जान डिजर्व करते थे जाना, और आज की डेट में जब शहजाद देओल का एविक्शन हुआ है तो उस समय भी जान ही डिजर्व करते थे। मैंने आपको वोटिंग लेवल्स बताए थे कि कौन जो है वो कहाँ पे रैंक कर रहा है और किसको किस हिसाब से वोटिंग दे रही है। फिर से याद दिला देती हूँ आपको, फर्स्ट पे रुबीना चल रही थी, सेकंड पर जैस्मिन चल रही थी, थर्ड पर शहजाद चल रहे थे, फोर्थ पर अभिनव चल रहे थे, पांचवें नंबर पर जान कुमार सानू चल रहे थे। अब यहां पर ये मैंने आपको बताए थे वोटिंग ट्रेंड्स। अब ये एक एनालाइजेशन होता है जिस हिसाब से वोटिंग होती है, जिस तरह से सोशल मीडिया अपना जो फैंस है वो ग्राफ करता है, तो वो इस तरीके से पूरा एनालाइज होता है एंड देन उसके बाद हम आपके सामने लेकर आते हैं। अब आपको बता दूं यहां पर सारा गुरपाल भी वही पॉइंट रखती है कि जब आपको इविक्शन सीनियर्स और फ्रेशर्स इन सबकी बहुमत से ही कराना है तो आप वोटिंग लाइन्स क्यों खोल रहे हो, आप वोटिंग ही क्यों करा रहे हो, आपस में अपना इलेक्शन करवा लो यार, हमें क्यों परेशान करो, क्यों देखे फिर हम बिग बॉस। वेल, यहां पर सारा गुरपाल ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं आपको मतलब समझा चुकी हूं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने लिखा क्या। उन्होंने लिखा है जनता शो रियली, # जनता शो रियली ?? और ?? गाइस, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस समय इस सीजन में ऑलरेडी 2 हफ्तों के अंदर बिग बॉस अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज में घिर चुका है। अब या तो बिग बॉस को अपना स्टेप ऑलरेडी अच्छे से लेना पड़ेगा, नहीं तो हो सकते हैं और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।